डियर एसवाईजीएंस, स्किल यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम जो पॉलिटेक्निक एडमिशंस होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, dte.rajasthan.gov.in। ये पॉलिटेक्निक के अंदर जो कोर्सेज होते हैं उनका सेशन 2024-25 जो है उसमें एडमिशंस के लिए रहने वाले हैं। एक पेन पेपर ले लीजिए, ध्यान रखिएगा पॉलिटेक्निक के अंदर जो एडमिशंस हैं वो तीन तरीके से होते हैं या चार तरीके से होते हैं। पहला जो एडमिशन होता है वो इंजीनियरिंग डिप्लोमाज में होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, जो कि सेंट्रल स्कीम से होता है। दूसरा एडमिशन जो होता है वो अगेन फर्स्ट ईयर में होता है नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर। तीसरा एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो लेटरल एंट्री से जो टेक्निकल कोर्सेज या इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसमें सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। और चौथा जो वीडियो के अंदर हम जो है वो बेसिकली जो नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जो फर्स्ट ईयर के कोर्सेज हैं, नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें ये कुछ लेटेस्ट न्यूज़ का जो ऑप्शन है वो मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लिंक ब्लिंक हो रहे हैं और यहाँ पर हम जो तीसरा लिंक है उस पर टैप करेंगे। ये जो तीसरा लिंक है वो बेसिकली नोटिफिकेशन फॉर द फर्स्ट ईयर नॉन इंजीनियरिंग एडमिशन 2024-25 है। आइए इस पर टैप करते हैं और इसकी जो डिटेल्स हैं उनको वन बाई वन डाउनलोड करते हैं और स्टडी करते हैं। हमारे सामने ये विज्ञप्ति ओपन होती है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद में हमारे सामने ये विज्ञप्ति ओपन होती है। इस विज्ञप्ति में मेंशन किया हुआ है कि जो केंद्रीय प्रवेश पद्धति है उससे पॉलिटेक्निक प्रथम वर्ष नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति है और ये सत्र 2024-25 के लिए राजस्थान के जो 06 राजकीय महिला और 05 राजकीय सह शिक्षा और 01 निजी श्री देवी महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हनुमानगढ़ है उसमें जो डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है उसमें जो प्रथम वर्ष में प्रवेश है उसके लिए जो महिला अभ्यर्थी हैं, ध्यान रखिएगा महिला अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत पद्धति से प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन और विकल्प जो हैं आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ में जब आप उससे विकल्प पूछे जाएंगे आपसे सब्जेक्ट के, तो आपको बहुत सारे विकल्प देने होंगे जिससे आपको जो आपकी वांछित शाखा है वो एडमिशन में मिल जाए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले आपको विस्तृत दिशा निर्देश और जो प्रॉस्पेक्टस या विवरणिका है वो उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेनी है। अभी हम इसकी विवरणिका भी देखेंगे, उसका अध्ययन करने के बाद में भी आपको अप्लाई करना होगा। और इसकी जो योग्यता है फॉर्म भरने की वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो माध्यमिक परीक्षा होती है या समकक्ष परीक्षा होती है, उसके अलावा जो IAS ICSE बोर्ड है, NIOS बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, उसमें भी 10th पास या उसके इक्विवेलेंट पास किया हुआ जरूरी होना है। दूसरी वेबसाइट की बात करें तो इसमें hte.rajasthan.gov.in होगी, dte.rajasthan.gov.in दूसरी वेबसाइट है। इसकी एडमिशन डेट 12/6/2024 से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट 5 जुलाई 2024 है। अगर आप 5 जुलाई 2024 के बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार वेबसाइट जरूर चेक कर ले, इन केस डेट बढ़ती है तो आपको एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, नया चांस मिल जाएगा। आइए इसकी प्रॉस्पेक्टस देखते हैं। नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज जो फर्स्ट ईयर होते हैं उसमें कौन कौन से ब्रांच या शाखाएं होती हैं उनके बारे में जानते हैं। फॉर्म आपको अपने नज़दीकी ई मित्र से भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसकी वेबसाइट के ऊपर हम जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे तीन पैरेलल लाइंस दी हुई है इस पर टैप करते हैं। टैप करने के बाद में यहाँ पर एडमिशंस का ऑप्शन आता है, हमें एडमिशंस पे टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद में यहाँ पर हमें कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एडमिशंस इंजीनियरिंग कोर्सेज, लेटरल एंट्री एडमिशंस, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एडमिशंस नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज। हमें इसके ऊपर चौथे नंबर के पोर्टल पे टैप करना है। टैप करते ही हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन होती है। यहाँ पर हमें नीचे कुछ लिंक जो है वो ब्लिंक होते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन है, फिर कोऑर्डिनेटर का ऑर्डर है, फिर बुकलेट है एडमिशन की, एनेक्चर है, कैलेंडर है। एक बार हम बुकलेट को डाउनलोड करते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं। ये हमने बुकलेट पे टैप कर दिया और ये डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में हमारे सामने ये PDF डाउनलोड हो चुका है। PDF को हम ओपन करेंगे, ये PDF हमारे सामने आ चुका है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं
और यहाँ मेंशन किया हुआ है सत्र 2024-25 संदर्भ सूची, इसको वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं। सब्जेक्ट कौन से हैं वो देखते हैं, क्या एडमिशन का क्राइटेरिया रहने वाला है, परसेंटेज क्या है, फीस क्या है, वो सब जानेंगे। ये इसका फर्स्ट पेज है, इसमें सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु संपूर्ण डिटेल्स दी गई है। आइए इन डिटेल्स के अंदर जो हमें ज़रूरत है उन डिटेल्स को हम अच्छे से समझते हैं। एक बार फिर से कहूँगा, पेन पेंसिल ले लीजिए और आइए डिटेल्स को चेक करते हैं। ये इसका गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले हम एक बार आधार नंबर आपको अपना फॉर्म के लिए डालना होगा, और उसके बाद जो न्यूनतम योग्यता है वो बेसिकली 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, या उसके समकक्ष आपका अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। यहाँ अन्य बोर्ड से अगर आपने पढ़ाई की है तो उसके लिए लिस्ट दी गई है। आयु सीमा, कोई आयु सीमा नहीं है, आप महिलाएँ हैं, आप किसी भी एज में हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी, अस्थायी वरीयता सूची निकाली जाएगी, योग्यता सूची और प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी भी इसमें दी गई है। ये श्रेणी अभी आपके सामने यहाँ हम देख सकते हैं। नीचे सबसे लिंक दिया हुआ है यूजर मैनुअल एडमिशन 2024-25, इसके अंदर आपको SSO ID या फिर ईमित्र के द्वारा जो फॉर्म भरा जाएगा उसके बारे में डिटेल में बताया गया है, आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें आप जब PDF डाउनलोड होगा उस PDF को स्टडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। अभी स्क्रीन के ऊपर कॉलेजेस की लिस्ट दी हुई है, आप ये कॉलेजेस देख सकते हैं, इनके मोबाइल नंबर देख सकते हैं, फ़ोन नंबर देख सकते हैं। अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, सांगानेर, जयपुर, जयभरतपुर, हनुमानगढ़, अलवर, झुंझुनू, करौली और सीकर, ऐसा करके ये कुछ कॉलेजेस हैं जिसके अंदर ये एडमिशन्स होने हैं। आइए कोर्सेज के बारे में जानते हैं, फीस के बारे में जानते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इसकी फीस क्राइटेरिया दिखाया गया है। इसमें फीस जो है वो लगभग 7,850 रुपये, और उसके बाद मिला के गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है, राजकीय संस्थाएं हैं, उनके अंदर फीस लगभग 7,000 से 8,000 रुपये रहने वाली है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो फीस है लगभग 35,500 रुपये के आसपास रहने वाली है। स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एडमिशन्स होते हैं। और अब हम कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ कोर्सेज की लिस्ट मेंशन की गई है। ये लिस्ट आपको जो हमने लिंक देखा था उन लिंक के नीचे कंटिन्यू जो ब्लिंक हो रहे थे उनमें से मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अजमेर के अंदर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग है, ब्यूटी कल्चर एंड का कोर्स है, इनकी 2 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, कितनी सीट इसमें रहने वाली है वो रखा हुआ है, इनका ब्रांच कोड CDBC दिया हुआ है। उसके बाद भरतपुर के अंदर टेक्सटाइल डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, 3 ब्रांचेज हैं, इनके कोड इनके सामने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सीट भी दी हुई है। बीकानेर के अंदर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग है, कोड उनके दिए हुए हैं, टोटल सीट की संख्या भी दी हुई है। जयपुर के अंदर भी कोर्सेज दिए हुए हैं, कोड दिए हुए हैं, सांगानेर जयपुर में कोर्सेज हैं, कोड है, जोधपुर में कोर्सेज दिए गए हैं, कोड दिए गए हैं, सीट की संख्या दी गई है, और उसके अलावा फिर जो कोटा है वहाँ कोर्सेज दिए हुए हैं, कोड दिए गए हैं, सीट की संख्या दी हुई है, उदयपुर के बारे में दिया हुआ है। तो बेसिकली ये इसका कोर्सेज का और उनके कोड्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद में फिर ये नेक्स्ट जो है वो अलवर, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर और करौली के कॉलेजेस हैं, इनके अंदर जो कोर्सेज हैं वो दिए गए हैं, सीट की संख्या दी गई है और उनकी अवधि दी गई है, वो 2 साल के 1 साल के, उनके ब्रांच कोड दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें अभी तक 1,157 रहने वाली है। तो ये कुछ क्राइटेरिया था, इसमें फीस हमने डिस्कस कर ली, ब्रांच कोड डिस्कस कर लिए, कोर्स देख लिए, कितने साल के कोर्स है वो देख लिए, फीस कहाँ जमा होगी, फॉर्म कैसे भरेगा, प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगेगी, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगेगी, हम लगभग सब जान चुके हैं। तो जितने भी हमारी SYGNs या व्यूवर्स ये कोर्स करने चाहते हैं, ये वीडियो देख चुके हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना कर सकते हैं, जिसमें जो कैंडिडेट पॉलिटेक्निक के अंदर नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो स्किल यूथ गुरुकुल के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में यही कॉन्टेंट था जो आप सभी के साथ शेयर किया गया है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर के अंदर इंजीनियरिंग डिप्लोमा में रेगुलर एडमिशन्स,
साथ में सेकंड ईयर के अंदर लेटरल एंट्री से रेगुलर एडमिशंस, डिप्लोमा कोर्सेज, इंजीनियरिंग में वीडियोस बनाए जा चुके हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं स्किल यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी